Hi students, my name is Ravindra Kumar. Welcome to GI Technical YouTube channel. So yesterday we have studied the manufacturing engineering. The next part is single point cutting tool. In single point cutting tool, we have studied the various type of single point cutting tool in previous lecture. So how many cutting tools are required in manufacturing engineering? So we have discussed the one by one. First one, the single point cutting tool, then multi-point cutting tool, then abrasive cutting tool. So first we have discussed, already we have point out the single point cutting tool. So today I will discuss single point cutting tool. देखो, single point cutting tool में क्या होता है? Single point cutting tool में क्या होता है कि जो हमारे material जो होते हैं, cut होते हैं, वो only वो single edge होते हैं, cutting edge होते हैं. कितने होते हैं वो? Only single cutting edge. जैसे लेथ मशीन आपने देखा होगा, लेथ मशीन पे जो आपका जो टूल होता है वो कौन सा टूल होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है. ठीक है, प्लेनर, सेपर, जितने भी आप एग्जांपल है वो क्या है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि पार्टिंग टूल क्या है, सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, एब्रेसिव टूल, तो आप क्या करो, टिक करोगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. ओके, आपसे बोल दिया जाएगा टर्निंग प्रोसेस, टर्निंग किस पे होता है? लेथ पे होता है. ठीक है, किसको टिक करोगे आप? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. ओके, प्लेनर या सेपर या सेपिंग बोल देगा, कौन सा टूल आप यूज करोगे? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक कटिंग एज होता है. क्या होता है? ओनली वन कटिंग एज. ठीक है, ओनली वन कटिंग एज. यहीं पे आपका क्या होता है, जो हमारे टूल्स और मटेरियल्स होते हैं यहीं पे आपके कॉन्टेक्ट होते हैं और यही आप फीड देते हैं, डेप्थ आप कट देते हैं, तो मटेरियल क्या रिमूव होता है और वही जो होता है, इसको मैंने बोला था क्या, ये क्या है आपका? ठीक है, देखो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एक मैंने बेसिकली एक डायग्राम ड्रॉ किया है. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ किया है. अब देखो, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपने कहीं देखा होगा, शायद लेथ वगैरह पर देखा होगा, सेम इसी तरह दिख रहा होगा. ओके, तो जो मेन पोर्शन होता है ये देख रहे पोर्शन, ये वाली पोर्शन. ठीक है, ये पोर्शन होता है, आपको बोलते हैं सैंक. सैंक बेसिकली क्या होता है कि जो टूल ग्रिप होता है, ठीक है, जो ग्रिपर होता है उसको क्या उसमें डालकर फिक्स कर देते हैं. ठीक है, तो बेसिकली सैंक जो पार्ट यूज करते हैं, कभी कभी एग्जाम में आता है कि सैंक क्या होता है, ग्रिप के लिए, ग्रिप पोर्शन के लिए होता है, जो टूल होता है उसको ग्रिप के पोर्शन के लिए यूज करते हैं. ठीक है, और आपने देखा होगा टूल के जो फेस पार्ट होगा, ये फेस है जिसपे क्या होता है, फेस का बेसिकली यूज क्या होता है, इस पर आपका चिप फ्लो करता है. ठीक है, जब मटेरियल रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ चिप, ठीक है, इट इज़ फ्लो ओनली ऑन द फेस सर्फेसिस, इट इज़ फ्लो ओनली ऑन द फेस सर्फेसिस. ओके, एंड इसके आप नीचे वाला साइड देखोगे फ्लैंक, बेसिकली फ्लैंक जो होता है, ठीक है, टूल के जो कटिंग टूल की जो कटिंग एज होते हैं उसके नीचे वाला पोर्शन जो, उसे बोलते हैं फ्लैंक. फ्लैंक बेसिकली यूज क्या होते हैं, फ्लैंक बेसिकली जो यूज करते हैं वो क्लियरेंस प्रोवाइड करता है. क्या करता है? क्लियरेंस प्रोवाइड करता है कि आपका जो कटिंग एज और ये इसके बीच में कॉन्टेक्ट ना हो. ठीक है, क्या मटेरियल से आपके जो भी वर्कपीस है उससे कॉन्टेक्ट ना हो. अगर कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो आपका हीट जनरेशन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो आपका टूल क्या वियर वगैरह क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. टूल वियर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. सो फ्लैंक प्रोवाइड करते हैं, फेस होता है और सैंक होता है. ठीक है, सैंक ग्रिपिंग के यूज करते हैं. ठीक है, फेस चिप फ्लो के लिए यूज होता है एंड फ्लैंक क्लियरेंस के लिए यूज करते हैं, अवॉइड क्या, फ्रिक्शन, वियर. ओके, अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूँ, इसकी नॉमेनक्लेचर की बात करूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है जब भी जेई वगैरह में जितने क्वेश्चन आते हैं यहीं से पूछे जाते हैं. ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पर इसको नॉमेनक्लेचर करें तो अगर मैं अमेरिकन ASA सिस्टम से बात करता हूँ, ASA, ठीक है, ASA अमेरिकन सिस्टम मेजरमेंट ये है इसका, ASA सिस्टम बोलते हैं इसे, इसको यूज करते हैं. तो इसको अगर मैं बोलूँ नॉमिनेचर, ये थियोरेटिकल पोर्शन बताता है. क्या बताता है? ये थियोरेटिकल पोर्शन बताता है. थियोरेटिकल पोर्शन मतलब कि इसका नाम के लेचर के बारे में बताएगा, कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं देगा, क्या देगा, थियोरेटिकल देगा. जैसे ASA में करेंगे इसमें थ्री, अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूँ, अगर मैं ये फ्रंट व्यू मैंने एज्यूम ये किया है, आप इस तरह से देखोगे, ठीक है, फ्रंट व्यू देखोगे टूल का, तो आपको दिखेगा क्या, ये आपका टूल है. ठीक है, ये आपका टूल है, तो आपको ये देखेगा इस तरह से एकदम, या आपके फ्रंट व्यू से देखोगे तो आप क्या होगा, ठीक है, इफ़ यू लुकिंग अबाउट फ्रंट व्यू ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दिस टाइप ऑफ इमेज इज ऑब्टेन. इसमें दो एंगल बनेंगे. कैसे बनेंगे? दो एंगल. ठीक है, अगर ये फेस है, ये फेस है, आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो तो फेस होगा. ठीक है,
अब फेस देख रहे हो तो फेस से जो एंगल बनाता है ये, ठीक है, किसके, अगर देखो इसमें अगर देखा जाएगा डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है कि सर कैसे होता है साइड रेक एंगल क्या होता है बैक रेक एंगल क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं अगर ये, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये क्या इसकी टूल की क्या है, ये टूल की लेंथ है, ठीक है, अरे कुछ तो टूल होगा, इस ये टूल है तो इसकी तो कुछ लेंथ होगी, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ होगी, और इसका देखो ये क्या है, इसका ये विड्थ है, क्या है विड्थ, ओके, और जो लास्ट पोर्शन है आपका जिस पे टूल है ये, उसको बोलते हैं बेस, ठीक है, बेस क्या होता है, इसलिए क्या, जैसे आप टेबल रखा हुआ है तो टेबल का कोई तो बेस है, ओके, किसी चीज़ का बेस होता है तो जो टूल का नीचे वाला पोर्शन होता है पूरा एरिया, ठीक है, वो क्या है बेस है। तो देखो अच्छा, अगर इसे नॉमलेचर की बात करते हैं, साइड रेक एंगल क्या होता है, साइड रेक एंगल देखोगे आपका, इट इज एंगल, ठीक है, बिटवीन द, इट इज एंगल बिटवीन द क्या, रेक फेस, ठीक है, अरे ये फेस तो यही है ना, ये वाला पोर्शन फेस है, इस फेस के देखोगे आप, इस फेस आपको इस तरह से टूल दिखेगा आपको फेस, ठीक है, और क्या होगा, एंगल बिटवीन द रेक फेस, और ये एंगल किसका होगा, ठीक है, पैरेलल टू द विड्थ, पैरेलल टू द विड्थ, ठीक है, इसके बीच के एंगल को बोलते हैं हम को क्या बोलते हैं, साइड रेक एंगल, क्या बोलते हैं, साइड रेक एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो क्या होता है, अगर मैं इसको और देखूं तो इस तरह से एक आपका टूल होगा, तो ये एंगल जो बनेगा इस तरह से एंगल, ठीक है, ये एंगल बनेगा, उसे बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल, क्या बोलेंगे, साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। ये देखो ये पूछा गया क्वेश्चन, जेई में पूछा गया है और गेट दोनों में पूछा गया ये क्वेश्चन, साइड रेक एंगल, साइड रेक एंगल क्या होता है, तो फेस और क्या, पैरेलल टू द विड्थ ऑफ द सैंक, ठीक है, पैरेलल टू विड्थ ऑफ द सैंक, इसके बीच का एंगल होता है साइड रेक एंगल, ठीक है। नेक्स्ट साइड रिलीफ एंगल, अगर साइड व्यू की बात करें, क्या करें, साइड व्यू की बात करें, तो साइड व्यू की अगर बात करते हैं तो हमको टूल इस तरह से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा एंगल, ठीक है, ये एंगल आपको दिखेगा। तो अब देखो किस में दो, ये देख रहे हैं ये एंगल बनेगा, एक दो एंगल बनेंगे, सब में दो एंगल बनेंगे, ठीक है। इफ़ यू लुकिंग अबाउट द साइड व्यू देयर टू एंगल ऑफ टेंस, ठीक है। अब देखो रेक फेस और क्या है, इस तरह देखोगे ये भी क्या है आपका, क्या ये क्या है, बेस, पैरेलल टू द, अरे पैरेलल टू द बेस है ना ये, अरे ये आपका पूरा क्या हो गया, बेस हो गया, फेस और बेस के बीच में आपका क्या हो गया, बैक रेक एंगल, ठीक है। अगर आप देखोगे फ्लैंक और परपेंडिकुलर टू बेस के बीच में क्या हो गया आपका, एंड रिलीफ एंगल, अरे ये बेस है, ये प्लेन आपका बेस है, देखो ना ये प्लेन बेस हो गया और इसके बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है, ये फ्लैंक हो जाएगा, फ्लैंक और बेस के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो है ये बेस के परपेंडिकुलर तो है ये जो आपका लाइन आई है, तो ये क्या हो गया आपका, एंड रिलीफ एंगल, ओके। द नेक्स्ट वन, अगर आप टॉप व्यू यानी कि आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, टॉप ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह से देख रहे हो, तो आप इस तरह से आपका क्या होगा, एक फिगर ऑफ टेन होगा, ओके। अगर इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें दो एंगल भी कंसीडर करेंगे, दो एंगल क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो दो एंगल में क्या क्या होता है, ये देखो कटिंग एज है, क्या ये कटिंग एज है, क्या ये कटिंग एज आपका, जब यहाँ देखोगे आप ये वाला जो एंगल कट गया, कटिंग एज है, ओके, कटिंग एज आपका वर्कपीस क्या होगा, जस्ट आपका टच करेगा किसको, इस कटिंग एज को, तो आपका क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ चिप। चिप क्या होता है पता है आपको, हैं, चिप देखो क्या होता है, चिप आपका बेसिकली क्या होता है, सिंपल क्या होता है, जब मटेरियल रिमूव होती है तो आप देखोगे क्या कर्ल फॉर्म में, ठीक है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में, कभी कभी क्या होता है ब्रिक के फॉर्म में, ये ऑप्टिकल तो से बोलते हैं चिप। तो कटिंग एज ये है, तो आप देखो ये कटिंग एज है, कटिंग एज, और ये क्या है आपका, पैरेलल टू द बेस, कटिंग एज और पैरेलल टू द बेस के बीच में एंगल बनेगा आपका, उसे बोलोगे साइड कटिंग एज एंगल, क्या बोलोगे, साइड कटिंग एज एंगल,
सेम इस तरह से एंगल एक बनेगा, ठीक है। ये फ्लैंक, नीचे वाला पोर्शन क्या आपका फ्लैंक, और क्या पैरेलल टू द विड्थ, तो ये हो जाएगा आपका एंड कटिंग एज एंगल। ओके, तो कोई भी आपसे ऑप्शन में ऐसे पूछ सकते हैं कौन सा एंगल है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट आपका बेस दे देगा, ठीक है, विड्थ दे देगा, इसके पैरेलल टू विड्थ, परपेंडिकुलर टू बेस, है डिफरेंट टाइप ऑफ द ओरिएंटेशन दे देंगे। ओके, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स आपको निकालने होंगे, तो आपको नॉमिनेचर याद होनी चाहिए अब क्या होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल है, ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट आपका साइड रेक एंगल, जनरली एग्जाम में क्या होते हैं ये मैक्सिमम 3 या 4 बार पूछा गया है। ओके, तो ये क्या हो गया, एस एन नॉमिनेचर, अमेरिकन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या हो गया है, थियोरेटिकल पोर्सन ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नॉमिनेचर दिया है। ओके, नेक्स्ट रेक एंगल में आपका दो एंगल मिलेंगे, साइड रेक एंगल बैक रेक एंगल। ओके, बेसिकली रेक जो होता है, रेक सर्फेसेस, ये क्यों होता है, ये रेक सर्फेसेस का मेन यू क्या यूज है, ठीक है, ईजिली क्या होता है, फ्लो ऑफ चिप इन द रेक फेसेस, ठीक है, बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था ये, ठीक है, फ्लो ऑफ चिप, ठीक है, आपको ऑप्शन देगा है सैंक या रेक सर्फेसेस, तो बेसिकली आप क्या टिक करोगे, फ्लो ऑफ चिप किस पे होता है, रेक सर्फेसेस पे होते हैं, फ्लो ऑफ चिप कहाँ होंगे, रेक सर्फेसेस पे होंगे, ठीक है। देखो रेक इसमें क्या होता है कि रेक एंगल जो होते हैं इसमें एक होता है, तीन एंगल होते हैं, रेक एंगल की बात करते हैं, रेक एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तीन होंगे, पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल, एंड जीरो रेक एंगल। ओके, थ्री टाइप ऑफ रेक एंगल, फर्स्ट पॉजिटिव रेक एंगल, सेकेंड नेगेटिव रेक एंगल, थर्ड जीरो रेक एंगल। ओके, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉजिटिव रेक एंगल की, पॉजिटिव रेक एंगल, अगर मान लो मेरा टूल है ये, ओके, ये मेरा वर्कपीस है, दो एक्सिस है आपके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
ये आपका टूल है, ये आपका वर्कपीस है, ठीक है। और ये चिप फ्लो रहा है, ओके। दिस एंगल क्या हो गया आपका, ये रेक सरफेसेस हो गया, एक रेक सरफेसेस, और ये आपका वाई एक्सिस से जो एंगल बना दिया उसे कहते हैं पॉजिटिव रेक एंगल, ओके पॉजिटिव रेक एंगल। तो जितने भी आपका डक्टाइल मटेरियल माइल्ड स्टील जितने भी होता है सब पॉजिटिव रेक एंगल से ही क्या होते हैं, यूज होते हैं मशीनिंग वगैरह जितने भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछता है कि जो आपका, ठीक है, हाई स्पीड स्टील सिंगल पॉइंट कटी टूल है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, यूज किस इसमें करते हैं, तो आप बोलोगे पॉजिटिव रेक एंगल से, ओके। तो पॉजिटिव रेक एंगल से देखो क्या होता है, क्या इसके क्या एडवांटेजेज है, क्या क्या एडवांटेजेज है, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव रेक एंगल की बात करता हूँ तो ये आपका टूल हो गया, ये पॉजिटिव रेक एंगल हो गया, ठीक है, ये आपका वर्क पीसेस हो गए, ओके, ये आपका टूल वर्क पीस। अब देखो फर्स्ट पावर कंजप्शन इज लो, ठीक है। सेकेंड कटिंग फोर्सेस इज लो, थर्ड टूल स्ट्रेंथ इज वीक, फोर्थ कटिंग स्पीड इज हाई। ओके देखो कैसे समझते हैं इसको, ये टूल है पॉजिटिव रेक, अगर मैं पॉजिटिव रेक एंगल बढ़ाता रहूं, ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव रेक एंगल को इंक्रीज करते रहें, अगर इंक्रीजिंग द पॉजिटिव रेक एंगल, सपोज आपका रेक ये है, अगर मैं इसको बढ़ाता रह गया तो आपका रेक एंगल ये हो जाएगा, ठीक है, और बढ़ाता गया तो आपका ये हो जाएगा। तो आप देखोगे जो थिकनेस ऑफ द टूल जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा, थिकनेस ऑफ द टूल क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। पहले इतनी थिकनेस थी, पॉजिटिव रेक एंगल बढ़ाया, भाई ये तो एंगल बढ़ेगा ना, तो अब और क्या हो गया, इसका थिकनेस रिड्यूस हो गया और थिकनेस रिड्यूस हो गया, तो आप एक लिमिट है, आप उतने ही बढ़ा सकते हो, ठीक है। सर फिर कहोगे सर ये पावर कंजप्शन क्यों है, देखो पावर कंजप्शन क्यों है, अगर ये आप थिकनेस बढ़ाते जाओगे, जो कटिंग एज है आपका, इसका कटिंग एज जो होगा वो भी तो पतला होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। तो कटिंग एज अगर रिड्यूस हो रहा है तो पावर कंजप्शन ऑलरेडी क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, हैं क्यों, देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हो कोई, ठीक है, एक नाइफ है, चाकू है, उसके कटिंग एजेस क्या है, बहुत ही पतले हैं, उससे आपका क्या करें, किसी भी आप किसी भी अननोन चीज़ों को उठाओ उसे काटना हो काट दोगे, ठीक है। अगर यही अगर थिकनेस आपका बहुत मोटा हो, कटिंग एजेज आपका मोटा हो, तो क्या होगा, पावर ज़्यादा लगाना पड़ेगा काटने के लिए। तो सिंपल बेसिक फंडा यही है कि आपका कटिंग एजेज क्या होता जाएगा, वो थिन होती जाएगी, उससे क्या होगा, जब कटिंग एजेज थिन होती जाएंगी तो आपका, ठीक है, पावर कंजप्शन क्या होगा, लो हो जाएगा। जब पावर कंजप्शन क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी होता है ना जी, हैं,
पावर अगर रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब फोर्सेस भी क्या होगा आपका, ठीक है, रिड्यूस होगा, तो आपका जो कटिंग फोर्सेस भी क्या करना पड़ेगा, जैसे आप एक एग्जांपल मैंने नाइफ का ही लिया और बाकी एक कुछ मान लो कोई एग्जांपल और ले लो जिसका क्या है एजेस क्या होता है बहुत मोटे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कटिंग एजेस जिसके मोटे हैं उस पर फोर्सेस ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो कटिंग फोर्सेस इस पर क्या होगा कम, क्योंकि पॉजिटिव रेक्टेंगल है, ठीक है, टूल स्ट्रेंथ इज वीक। अब देखो ये टूल ये है, जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे इसकी क्या होगी थिकनेस कम क्या हो जाएगी कम होती जाएगी, तो स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी लो होती जाएगी, स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी लो होती जाएगी, तो टूल स्ट्रेंथ इज लो, ठीक है, कटिंग स्पीड स्लाइटली क्या होते हैं हायर रखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी भी आप थिंग्स को क्या कर रहे हो आप काट रहे हो, अगर एजेस कम है तो इसकी स्पीड देख लो बाकी उसके उसकी अपेक्षा देख लो ज़्यादा मिलेगा ना आपको, तो कटिंग देखो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहीं से, ठीक है। पॉजिटिव रेक एंगल में ऑप्शन दे देगा कि पावर कंजप्शन इज हाई, पावर कंजप्शन लो, नो पावर कंजप्शन रे ऑप्शन, तो आपको आपको कटिंग करने हैं, ठीक है। कटिंग फोर्सेस आर रिक्वायर्ड वेरी लो इन विच आप पॉजिटिव रेक एंगल, ठीक है, निगेटिव रेक एंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, ठीक है, और कटिंग स्पीड आपका क्या होता है हाई, टूल स्ट्रेंथ इज वीक, तो डिफरेंट टाइप का आपका क्या दे देंगे आपको, ठीक है, इस टाइप का डेटा दे देंगे और उस हिसाब से ऑप्शन दे देंगे। बेसिकली यूज देखो टूल किसे यूज होता है, जो टूल यूज होता है यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, वो HSS हाई स्पीड स्टील, ठीक है, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में देखो ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आप कोई मटेरियल है आपको हाई स्पीड टूल यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन सा एक एंगल होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव या जीरो, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, पॉजिटिव रेक एंगल। अगर निगेटिव रेक एंगल की बात करें, यहाँ पर निगेटिव रेक एंगल की बात करता हूँ, ठीक है, ये मेरा वर्क पीस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, अरे वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब सपोज आपका टूल, नहीं समझ आया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है जी, और ये टूल, ओके, तो आप देखोगे जो एंगल बनेगा आपका ये वाला एंगल यहाँ से ये, ठीक है, रेक सरफेसेस से यही तो फेस था, फेस से वाई एक्सिस के जो एंगल बनता था, ठीक है, यही एंगल था, तो फेस से आपका वाई एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव रेक एंगल आ गया, तो रेक एंगल को बेसिकली हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं अल्फा से रेक एंगल। अब निगेटिव रेक एंगल में देखो क्या हो सकता है, फर्स्ट वही उसके क्या हो गया अपोजिट होंगे, पावर कंजप्शन इज हाई, सेकेंड कटिंग फोर्स इज मोर, थर्ड कटिंग स्पीड इज लो, फोर्थ टूल स्ट्रेंथ टूल स्ट्रेंथ इज मोर, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स हैं उसके अपोजिट है, देख लो यहाँ पर पावर कंजप्शन इज लो किसमें पॉजिटिव रेक एंगल में, कटिंग फोर्सेस क्या हो गया इसमें लो, टूल स्ट्रेंथ क्या आएगा आपका वीक, ठीक है,
ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या पैरामीटर्स हैं जो इसके क्या एस्पेक्ट में बता रहे हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली आप देखो इसमें कौन सा टूल यूज करते हैं जी, पॉजिटिव रेक एंगल में टूल यूज कौन सा करते हैं, पॉजिटिव ठीक है कार्बाइड टूल ठीक है सिरामिक टूल ये सब ये क्या करते हैं हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल में यूज करते हैं। ओके और विच टाइप ऑफ मटेरियल वी यूज पॉजिटिव रेक एंगल, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव रेक एंगल यूज करते हैं जिसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए हाई होता है ठीक है, हाई मटेरियल स्ट्रेंथ ठीक है वहाँ यूज करेंगे पॉजिटिव रेक एंगल ठीक है, जैसे कास्ट आयरन हो गया ठीक है उसके क्या है वो ब्रिटल है हार्ड है ठीक है, जितने भी हार्ड मटेरियल्स होंगे जितने भी हार्ड मटेरियल होंगे वो पॉजिटिव रेक होंगे क्योंकि हार्ड मटेरियल पे हमें टूल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव रेक एंगल यूज करेंगे ठीक है। अब जैसे माइल्ड स्टील है आपका डक्टाइल मटेरियल है आपने लेथ वगैरह टर्निंग किया होगा तो क्या होता है माइल्ड स्टील है डक्टाइल मटेरियल है डक्टाइल मटेरियल पर क्या यूज करोगे ठीक है पॉजिटिव रेक एंगल यूज करोगे, ये तो आपका नेगेटिव रेक एंगल किसमें यूज करेंगे हाई स्ट्रेंथ मटेरियल पे यूज करोगे ठीक है, जो इससे प्रीवियस वाली स्लाइड है आपको देखोगे तो इस पे क्या पॉजिटिव रेक एंगल इस पे आप क्या यूज करना है आपको, आपको सिर्फ क्या इसमें मटेरियल यूज करते हैं डक्टाइल या लो स्ट्रेंथ मटेरियल ठीक है, जिसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है बहुत ही कम है वहाँ पे पॉजिटिव रेक एंगल यूज करेंगे, जैसे माइल्ड स्टील हुआ ठीक है क्या हो गया माइल्ड स्टील एग्जांपल देख लो माइल्ड स्टील ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछता है कि माइल्ड स्टील पे हम कौन सा रेक एंगल यूज करते हैं ओके नेक्स्ट क्या था आपका जीरो रेक एंगल, नेक्स्ट जीरो रेक एंगल जीरो रेक एंगल सपोज आपका ये क्या है वर्कपीस है ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये आपका टूल ठीक है, वाई एक्सिस और फेस रेक फेस के बीच के एंगल क्या हो गया है जीरो हो गया ना, इसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल क्या हो गया आपका जीरो हो गया, उसे क्या बोलेंगे है जीरो रेक एंगल ओके। अब देखो जितने भी हमारे मटेरियल्स टूल डिजाइन होते हैं हाँ टूल डिजाइन होते हैं वो बेसिकली जैसे ब्रास ब्रास टूल ठीक है कॉपर टूल ये सब जितने डिजाइन होते हैं किस पे होते हैं जीरो रेक एंगल से ओके। तो जीरो रेक एंगल बेसिकली यूज नहीं है, अगर मैं इसको डायग्राम से दिखा जाए तो अगर मैं डायग्राम अगर बताऊं डायग्राम पर सब तीनों को अगर देखे हुए हैं पॉजिटिव रेक नेगेटिव रेक को सब देखते हैं अभी
चलो यहीं तक रखते हैं इसको, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, देखो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मैंने बनाया था, सपोज ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था, ठीक है, सिंगल पॉइंट ओके। तो ये आपका कटिंग एज था, तो ये पोर्शन आप देख रहे हो, अगर इसे बोलते हैं हम लोग नोज रेडियस, ओके क्या बोलते हैं हम लोग नोज रेडियस। अच्छा ये देखोगे कभी आप कटिंग एज, क्या है कटिंग एज ठीक है, और या एंड कटिंग एज, इसके बीच के जो थोड़ा सा पोर्शन होता है जहाँ पे यहाँ क्या होते हैं टच करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग नोज रेडियस, क्या होता है नोज रेडियस। नोज रेडियस देखो क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, नोज रेडियस अगर नोज रेडियस हाई है ठीक है, अगर हाई नोज रेडियस, क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछ लेता है इसलिए बता रहे हैं इसको, नोज रेडियस अगर हाई है तो क्या होगा, हीट जनरेशन क्या होगा आपका कम होगा, हीट जनरेशन इन टूल इज लो, क्यों, क्योंकि आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो आपका हीट एब्जॉर्बेशन के पावर क्या होगी ज़्यादा होगा, तो ये ओवरऑल अगर मैंने इस टूल की बात करूँ तो इस पर क्या होगा हीट जनरेशन क्या होगा ठीक है लो होगा, हाई स्ट्रेंथ ऑफ टूल भाई, नोज रेडियस अगर आपका है सफिशियंट है तो आपका क्या होगा टूल में स्ट्रेंथ क्या होगी ठीक है, अगर नोज रेडियस रहता नहीं है, अगर आप क्या थोड़ा सा ही फोर्स लगता तो ये आपका जो एजेज हो गया क्रैक हो सकते थे ओके और क्या हो जाएगी स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन पता है आपको नहीं पता, बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन वहाँ होता है जहाँ फ्लक्चुएशन ऑफ लोड होता है ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन लोड हो रहा है इंपैक्ट हो रहा है बराबर, तो अगर आपसे भी उसमें कहीं नोचे वगैरह जनरेट हो गए ठीक है तो वो मटेरियल फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या आता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन उसी को बोलते हैं जहाँ पर नोचे वगैरह जनरेट हो जाता है ठीक है, तो वहाँ फेल्योर होने के मटेरियल क्या होती है आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या करता है अगर नोज रेडियस हाई है तो आप स्ट्रेस कंसंट्रेशन को क्या कर सकता है लो कर लेता है ठीक है। इसके डिफरेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कभी कभी आर से डिनोट करते हैं नोज रेडियस को ठीक है, आर से डिनोट करते हैं ओके। अब लीप एंगल देखा जाए, इसमें और एंगल आते हैं, डिफरेंट टाइप का एंगल आते हैं, एक एंगल छूट गया था, क्या था लीप एंगल, ठीक है जय ओवर में कम 8 से 10 बार पूछ चुका है ये एंगल ठीक है। लीप एंगल क्या होता है, अब देखो ये आपका टूल है ठीक है, ये क्या हो गया आपका फेस और ये क्या हो गया आपका फ्लैंक, और इसके बीच का एंगल क्या हो गया लिप एंगल, क्या हो गया लिप एंगल ठीक है, तो एंगल बिटवीन फेस एंड फ्लैंक ऑफ टूल इज नोन लिप एंगल ओके।
से डिफरेंट है, मतलब इस पर आप देखोगे इस पर लिप एंगल बेसिकली क्या होता है, बहुत क्वेश्चन बार बने हुए हैं इस पर, तो लिप एंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फेस किसके किसके बीच में एंगल होता है जी? फेस और फ्लैंक के बीच में एंगल जो होता है आपका लिप एंगल होता है। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने डिस्कस किया क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल क्या था एंगल्स। ठीक है, एंगल हम लोगों ने डिसाइड किया साइड रेक एंगल, जिसे किसे डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फा, दूसरा बैक रेक एंगल, ठीक है, अगर साइड रेक एंगल तो अल्फा यस, बैक रेक एंगल तो अल्फा बी, तीसरा एंगल हमने डिस्कस किया था साइड कटिंग एज एंगल, क्यों चौथा डिसाइड किया था हम लोगों ने, साइड कटिंग एज एंगल हो गया, एंड कटिंग एज एंगल, ओके, पांचवा साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, छठा एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल, और सातवां आपने डिस्कस किया था नोज रेडियस। ठीक है, क्यों जी? देखो डिनोट कैसे करते हैं, ये आपका साइड रेक एंगल हो गया अल्फा यस, ठीक है, बैक रेक एंगल क्या हो गया आपका अल्फा बी, साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल कैपिटल सी, ठीक है, और साइलेंट में क्या हो गया आपका स्मॉल यस, एंड कटिंग एज एंगल, और क्या हो गया साइड रिलीफ एंगल, इसको गामा से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं, गामा, ये हो जाएगा गामा ई, एंड रिलीफ एंगल, नोज रेडियस आर। ओके, तो ये हम क्या होता है डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं। अगर मैं ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम की बात करूं, ठीक है, ऑर्थोगोनल रेक सरफेस, ऑर्थोगोनल रेक सरफेस क्या है ये? बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेटा दे रखा है कि आप क्या होगा, तो इसने क्या किया है, इस सिस्टम में उन्होंने दे दिया है कि आपका अल्फा बी, अल्फा, ठीक है, इसके बाद हो गया गामा ई, गामा एस, ठीक है, और सी ई, सी एस और आर, ये स्टैंडर्ड डेटा है। ठीक है, अल्फा क्या है, बैक रेक एंगल, इसके बाद क्या है, साइड एंगल, बेसिकली याद करने का तरीका है आर आर सी, रेक रिलीफ कटिंग, रेक में आपका आ जाएगा बैक साइड, ठीक है, एंड साइड, एंड साइड आर। ओके, क्या हो गया बैक रिलीफ, तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखो एस एस सी वगैरह में या किसी ए या जेई में जिसको सब पूछ देते हैं बराबर है, मतलब कि मान के चलो कम से कम ये 90% तो यही आता है आपको, एक ओ आर एस सिस्टम का कटिंग टूल का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का डेजिनेशन दे देगा,
बोल देगा 10, ठीक है 12, ये दे देगा आपका 15, ये दे देगा आपका 25, ये दे देगा आपका 30, ये देगा आपका 18, ये देगा 5, तो ये आपका दे देगा। तो उसमें पूछ देगा ऑप्शन में, ठीक है ऑप्शन वन दे देगा, बैक रेक एंगल क्या है इसमें, बैक रेक एंगल ऑप्शन दे देगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। ऑप्शन वन में दिया मान लो 10, 12, 15, ये सब डिग्री में है, किस में है डिग्री में है, एंगल एनर्जी, अरे ये एमएम में है। रेडियस क्या होता है, एमएम में होता है ना, अरे रेडियस क्या होता है जी, ठीक है ये एमएम में होगा, बाकी सब डिग्री में देता है, ये एमएम में क्योंकि नोज रेडियस है। रेडियस क्या होता है, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, ऐसे होते हैं। और दे दिया आपका 30, तो कौन सा टिक करोगे, बैक रेक्टेंगल, ठीक है कभी कभी आपको साइड रेक्टेंगल देगा तो क्या यूज करोगे, 12। तो डिफरेंट टाइप का इस तरह से आपसे क्या होते हैं क्वेश्चन देते हैं ORS में। आपको याद रखना होगा RRC, रेक रिलीफ और कटिंग एज, ठीक है। रेक का आपका पता होगा अल्फा डिनोट करते हैं, रिलीफ को आपको गामा से डिनोट करते हैं, और कटिंग को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ओके तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल हो गया, ORS सिस्टम हो गया, ऑर्थोगोनल ORS सिस्टम में आपका क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल है, कभी भी कोई से पूछ सकता है। ये स्टैंडर्ड डेटा है जी, ये स्टैंडर्ड डेटा है, जैसे जैसे अरेंजमेंट हुआ वैसे ही अरेंजमेंट है ये, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल भी है, ठीक है। एंगल के डेफिनेशन आते हैं, क्या क्या एंगल के डेफिनेशन है, ठीक है। पॉजिटिव रेक क्या होता है, ठीक है। बैक रेक इसमें मैंने बता रखा है, पॉजिटिव रेक, जीरो रेक और क्या होता है, नेगेटिव रेक में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या क्या इसमें जो हम अभी तक क्लासेस किए हैं जितने हुए हैं उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। क्वेश्चन देख लो पहले, क्वेश्चन फॉर कटिंग टूल ऑफ ब्रास विथ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन लेथ टूल should have ऑप्शन 1, 2, ठीक है। नेगेटिव रेक्टेंगल, पॉजिटिव, जीरो रेक्टेंगल, ठीक है, जीरो साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। क्वेश्चन आया है SSC JEE में, ESC में और गेट में भी। कौन सा ऑप्शन होगा जी, जीरो रेक एंगल, मैंने बताया था ना कॉपर ब्रास जितने भी अब मटेरियल्स होते हैं उस पर कौन सा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, जीरो रेक एंगल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन
सिंगल पॉइंट कटिंग टूल शुड आइडियली हैव, ठीक है, जनरली हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस फॉर्म में रहता है, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड निगेटिव, थर्ड जीरो, फोर्थ नॉर्मल रेक। क्यों जी? ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जनरली क्या आइडली हैव, आइडली हैव किसमें होता है, जनरली क्या होता है मटेरियल, जीरो रेक एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग पावर इंटरनिंग कैन बी स्लाइटली रिड्यूस्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग रेक एंगल, सेकेंड डिक्रीजिंग रेक एंगल, थर्ड वाइडनिंग द नोज रेडियस, फोर्थ इंक्रीजिंग क्लियरेंस एंगल। जी कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड की फर्स्ट, इंक्रीजिंग क्या है, कटिंग पावर एंड टर्निंग कैन बी स्लाइटली रिड्यूस बाय, कम कब हो जाएगा, कब हो जाएगा ये, देखो इसमें नेगेटिव में क्या आ जाएगा, कंजप्शन क्या है, पावर कंजप्शन, पॉजिटिव रेक एंगल, पावर कंजप्शन इज लो, ठीक है, कटिंग फोर्सेस इज लो, किसमें है ये, अगर मैं इंक्रीज पॉजिटिव बढ़ाता जाऊंगा, ये एंगल बढ़ाता जाऊंगा, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी ना जी, मैंने 5 डिग्री था, अब 8 डिग्री किया, 10 डिग्री किया, 15 डिग्री किया, इसका मतलब इसका थिकनेस क्या होगा, कम होता जाएगा, पावर कम हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव, अरे ये कौन सा, ये ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही है ना, अच्छा ये है, तो इंक्रीजिंग रेक एंगल, ओके, तो फर्स्ट ही तो होगा इन, अरे ये देखो ना आप, ठीक है, पॉजिटिव रेक एंगल था और इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, थिकनेस ऑफ द क्या हो रहा है आपका टूल रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कटिंग पावर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, हैं, ठीक है, ये जेई और ईएस के दोनों क्वेश्चन हैं। ओके, कलर कैसे आएगा,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग साइड रेक एंगल इन कटिंग टूल। ऑप्शन ठीक है, कंट्रोल चिप फ्लो, दूसरा स्ट्रेंथ टूलेज, ब्रेक चिप अवॉइड फॉर फ्रिक्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट भाई? साइड रेक एंगल प्रोवाइड क्यों करते हैं? ठीक है, क्यों करते हैं? अरे रेक सर्फिसेस मैंने बताया था ना, रेक सर्फिसेस क्यों यूज करते हैं? क्यों जी? रेक सर्फिसेस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, कंट्रोल द चिप फ्लो। अरे आपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देखा होगा, अगर ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था ठीक है, तो यही तो आपका रेक था, रेक फेस। इसी पे चिप क्या होती है? फ्लो करती है, ठीक है। तो चिप फ्लो क्या कंट्रोल किसके थ्रू होता है आपका? रेक एंगल क्या? रेक फेसेस के थ्रू। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन आपको जो बनेंगे इसी स्लाइड में ही बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम ओके। ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है, ऑर्थोगोनल कटिंग। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होता है? सपोज ये आपका क्या वर्कपीस है, ओके, ये वर्कपीस है और ये आपका टूल है। क्या ये टूल?
ओके, ये आपका कटिंग एज है, क्या आपका कटिंग एज, अब चिप क्या हुआ यहाँ से, क्या हुआ? जैसे आप कट एज करोगे तो ये चिप क्या करेगा, फ्लो के सरफेस पे जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये टूल है, अब कोई क्या फेस है जैसे कट करोगे तो चिप क्या होगा आपका, सरफेसेस फ्लो करेगा रेक सरफेसेस पे। जब रेक सरफेसेस फ्लो करेगा अगर ये, ठीक है, चिप आपका, सपोज ये आपका टूल हो गया, ठीक है, चिप आपका इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मान लो ये क्या हो गया, आपका वर्क पीस हो गया, ठीक है, ये वर्क पीस हो गया, ये वर्क पीस हो गया, और ये आपका टूल हो गया, ये कटिंग एज हो गया, ये टूल हो गया, नहीं ये चिप हो गई, ये क्या हो गया आपका, चिप हो गया, और ये आपका टूल हो गया, ठीक है। ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होता है, बेसिकली जो आपका जो फ्लो होता है चिप फ्लो, ठीक है, चिप ऑफ फ्लो हमेशा क्या होगा, देखो कटिंग एज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कटिंग वेलोसिटी, तो कटिंग वेलोसिटी ऐसी ही है ना, और ये क्या कटिंग, और ये क्या आपका कटिंग एज, क्या परपेंडिकुलर है, हैं भैया, कटिंग एज ये है, कटिंग वेलोसिटी ये है, ठीक है, तो ये क्या आपका परपेंडिकुलर है, ये कटिंग एज हो गया और ये आपका कटिंग वेलोसिटी है। व्हेन द कटिंग एज एंड कटिंग वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर विच इज नोन एज ऑर्थोगोनल कटिंग, विच इज नोन एज ऑर्थोगोनल कटिंग, ओके। तो सर कहेंगे सर क्या सभी ऑर्थोगोनल कटिंग होते हैं, नो, जितने भी मटेरियल्स होते हैं हमारे, आप ये देखोगे कितने मटेरियल्स होते हैं, वो बेसिकली ऑर्थोगोनल कटिंग होते हैं, वो ऑब्लिक कटिंग होते हैं, कैसा होता है ऑब्लिक कटिंग, ऑब्लिक कटिंग क्या होता है, ऑब्लिक कटिंग, ठीक है, इसमें क्या होगा, कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू कटिंग एज, ओके। इसका मतलब ये हुआ, देखो ये टूल है कट कर रहा है और ये कटिंग एज हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका ठीक है, और ये देखो आपका चिप हो गया, ये क्या हो गया आपका चिप, ये हो गया आपका वर्क पीस, ओके। तो आप देखोगे जब कटिंग एज होगा इसमें, जैसे ही आपका कटिंग एज क्या होता है आपका, जैसे ही आपका कटिंग एज वर्क पीस पर टच करेगा तो आपका चिप क्या होगा, ठीक है, वापस इस पर फ्लो ना, रेक सरफेस फ्लो ना करके क्या करेगा, एक एट इंस्टेंट किसी एंगल पे क्या हो गया, वो मूव करके नीचे गिर जाएगा, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें देखो, अगर आपका सिर्फ ऑर्थोगोनल कटिंग है तो देर इज टू फोर्सेस आर, ठीक है, इसमें दो फोर्सेस होंगे, इसमें क्या है, इसमें 3D फोर्सेस में रखे, थ्री डायमेंशनल
ठीक है, थ्री डी ऑब्जेक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसमें कटिंग होते हैं बेसिकली किसमें, ऑब्लिक में होते हैं, ठीक है। इसमें मोर देन टू फोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं, मोर देन टू डायमेंशनल फोर्सेस, ठीक है। अगर सिर्फ वन एक ही डायरेक्शन में फोर्स होता तो क्या होता, रेक सरफेस मूव करता वो। अगर इसमें मान लो इसमें वाई एक्सिस से भी, अगर ये सपोज कि डिफरेंट वाई एक्सिस में, मान लो ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। सपोज इधर जेड एक्सिस की तरफ क्या फोर्सेस लगी तो क्या करेगा, तुरंत ही जेड एक्सिस की तरफ वो करेगा। तो आप क्या कर रहा है, एक फोर्सेस तो कटिंग फोर्स तो ये जा रहा है और एक फोर्सेस जो क्या होगा चिप क्या होगा रिमूव कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, मोर देन टू फोर्सेस आ गया, टू या मोर देन टू फोर्सेस, टू आर मोर देन टू आर मोर देन टू फोर्सेस जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑब्लिक कटिंग, ठीक है। अगर इस ऑर्थोगोनल में देखें तो क्या हो जाएगा, ओनली वन डायमेंशनल है, एक ही फोर्सेस होगा, वन डायमेंशनल फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, वन डायमेंशनल फोर्स रिक्वायर्ड। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, आपका क्वेश्चन कहीं यहीं से पूछता है कि कितने हाउ मेनी फोर्सेस रिक्वायर्ड, आप बोलेंगे ओनली वन डायरेक्शनल फोर्सेस रिक्वायर्ड इन ऑर्थोगोनल कटिंग। ऑब्लिक कटिंग में क्या होता है, टू आर मोर देन टू फोर्सेस रिक्वायर्ड, वाई, बिकॉज व्हेन टू आर मोर देन फोर्सेस रिक्वायर्ड चिप इट नॉट कंप्लीटली फ्लो ऑन द फेस ऑफ द रेक, ओके, इट बेसिकली व्हेन द कटिंग एज इज रिक्वायर्ड, व्हेन कटिंग एज इज टचेस द वर्क पीस देन चिप इज फ्लो इन एनी डिफरेंट डायरेक्शंस, समझा। तो ये ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग दोनों में, ओके। तो बोर्ड वगैरह एग्जाम में डिफरेंस बहुत पूछे जाते हैं, ऑब्लिक कटिंग ऑर्थोगोनल कटिंग और ये ऑब्लिक कटिंग में क्या डिफरेंसेस है, तो हमें कंपटीशन पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल पढ़े, ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पढ़े हम लोग, उसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा अभी, डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, साइड रेक, बैक रेक, साइड कटिंग एज एंगल, इंड कटिंग एज एंगल, डिफिनेशंस, ठीक है, डेजिग्नेशंस एंड ऑर्थोगोनल डेजिग्नेशंस, स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूला जनरेट करते हैं जिसे क्वेश्चन 101% आते हैं, दिस इज टूल, दिस इज चिप, दिस इज वर्क पीस, ओके, ये एंगल क्या हो गया,
रेक एंगल या पॉजिटिव रेक एंगल, ये एंगल क्या हो गया क्लियरेंस एंगल, ओके। अब देखो इसके एनालिसिस करते हैं, ये टी और इसकी थिकनेस, चिप की थिकनेस हो जाएगी टी सी, ओके। अल्फा आपका हो गया रेक एंगल, गामा हो गया रिलीफ या, ठीक है, गामा क्या होता है रिलीफ या क्लियरेंस एंगल, और ये फाई हो गया आपका, ये शियर प्लेन है, क्या है शियर प्लेन, ओके। जैसे टूल आप टच करोगे, मैंने बताया टूल टच करोगे तो एक प्लेन पे तो करेगा वो, तो वो जो प्लेन टोटल है वो क्या हो गया शियर प्लेन। तो आपने टूल टच किया है ये ऐसे, ठीक है, तो इस प्लेन पे क्या हो गया, और ये आपका हॉरिजॉन्टल से जो प्लेन बनाता है वो उसे बोलते हैं फाई। तो नॉमेनक्लेचर देख लो, अल्फा क्या है आपका वेयर, वेयर अल्फा इक्वल टू रेक एंगल, गामा इक्वल टू रिलीफ या रिलीफ और क्लियरेंस एंगल, ठीक है। नेक्स्ट टी अनकट चिप थिकनेस, टीसी क्या हो गया जी कट चिप थिकनेस, फाई क्या हो गया आपका सियर एंगल, और कुछ बचा हुआ इसमें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, 101% रट्टा होना चाहिए, ठीक है। अल्फा इज द रेक एंगल, ओके, गामा इज द क्लियरेंस एंगल, टी इज द अनकट चिप थिकनेस, अनकट ये ना ये भी तो कटा नहीं हुआ, ये अभी कटेगा नहीं, जब कट के जाएगा कहाँ पर, तो ये जो चिप, ये चिप ऐसे फ्लो करेगा ना जी, ये चिप फ्लो कर रहा है, तो इसकी जो थिकनेस है वो टी सी है, टी सी क्या है जी कट चिप थिकनेस, वो कट चुका है जो क्या कर रहा है रेक सरफेसेस फ्लो कर रहा है, जब कट चुका है तो उसके टी सी क्या है थिकनेस टी सी है, ओके। फाइव सीयर एंगल, तो ये आपका टर्म्स हमेशा रट्टे होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन 101% हमेशा ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ जी, टी सी इज ग्रेटर देन टी, टी सी इज ग्रेटर देन टी, यानी कहने का मतलब है चिप थिकनेस का जो थिकनेस होगा, चिप थिकनेस, चिप का जो थिकनेस होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू क्या अनकट चिप में, क्यों? देखो चिप जब टूल आपको टच करेगा वर्कपीस से जब आपका क्या होगा किसी फोर्स पे आपके आप मूव करेगा वो, तो क्या करेगा यहाँ पे हीट जनरेशन होगा भाई, किसी का अगर आप कटिंग करते हो तो हीट जनरेशन होता है वहाँ पर, जैसे हीट जनरेशन होगा तो ही कुछ हीट आपका क्या चला जाएगा चिप में चला जाएगा, जैसे चिप में हीट जाएगा तो वहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, क्या होते हैं थर्मल एक्सपेंशन, हीट के कारण क्या होता है आप किसी भी आप जितने भी एलिमेंट आयरन वगैरह के हीट करते हो वगैरह देखोगे तो क्या एक्सपेंड करता है ना चीज़ें, तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो इसके कारण इसकी जो थिकनेस होगी, इतना टी तो काट रहा था ये लेकिन कटा कितना टी सी हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें हीट जनरेशन हो गई, हीट जनरेशन के आगे क्या हो जाएगी थोड़ी थिकनेस इसकी माइन्यूट थिकनेस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी,
तो इस केस में क्या हो जाएगा, टी सी क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन टी क्यों हो गया, आपको बता दिया ड्यू टू, हाँ यहाँ पर लिखो, ठीक है, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। तो आपको न्यूमेरिकल में अगर ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल में अगर आप डेटा दिया होगा सिर्फ थिकनेस थिकनेस बोल के दे देता है कभी कभी, ठीक है, दो थिकनेस दे दिया, एक 5 mm दे दिया, एक 5.5 mm दिया है, तो 5.5 mm क्या हो जाएगा, टी सी हो जाएगा वो, ठीक है, और 5 क्या हो जाएगा, टी ए। तो क्वेश्चन में कभी कभी डेटा नहीं दिया होता, कभी क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया होता है, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि टी सी हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है देन टी से। ओके, टी सी आपका है चिप थिकनेस और टी क्या आपका अनकट चिप थिकनेस। तो एक फार्मूला बनता है, ठीक है, चिप थिकनेस रेशियो जिसे डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर से, ठीक है, चिप थिकनेस रेशियो स्मॉल आर से होता है, ये क्या होता है, टी बाई टी सी, टी बाई टी सी, टी क्या है आपका अनकट चिप थिकनेस, टी सी क्या है आपका चिप थिकनेस, ठीक है, ये हो गया टी बाई टी सी। तो आपको क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली दे देगा दो, आप कट क्या होता है अनकट चिप थिकनेस का कुछ डायमेंशन दे देगा, चिप थिकनेस का डायमेंशन दे देगा, सीधे से चिप थिकनेस रेशियो पूछ लेगा, ठीक है। तो अभी तक यही रखते, इसके यही तब भी करते हैं, इसके बाद इसके आगे भी है, ठीक है, आर का फॉर्मूला है टी बाई टी सी इक्वल टू LC by L is equal to VC by V is equal to sin phi divided by cos phi minus alpha। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, अगर क्वेश्चन में कभी, ठीक है, समझ आया चीजें, टी क्या आपका ये, एलसी क्या है चिप लेंथ, ठीक है, ये चिप वेलोसिटी हो गई, ये कटिंग वेलोसिटी हो गई, देखो वी सी आपका हो जाएगा चिप वेलोसिटी, जहां सी लगा हुआ कौन सा है, चिप की बात हो रही है, तो चिप वेलोसिटी, ठीक है, इसके बाद वी क्या है आपका कटिंग वेलोसिटी, ठीक है, फाई आपका क्या है सीयर एंगल, अल्फा क्या है रेक एंगल, ओके, अल्फा क्या है रेक एंगल। चिप थिकनेस रेशियो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला क्या होता है याद होना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है, कभी साइन फाइव बाई कॉस फाइव माइनस अल्फा देता है, टी बाई टी सी एल बाई एल सी, ठीक है, डेरिवेशन है इसका, डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन कराने का अभी तो जो फॉर्मूले हैं जिसका यूज करना है डायरेक्ट, क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में तो क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं कि डायरेक्टली क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसका चिप थिकनेस का रेसिप्रोकल कर दूं मैं, ठीक है,
द रेसिप्रोकल ऑफ चिप थिकनेस, द रेसिप्रोकल ऑफ चिप थिकनेस इज कॉल्ड चिप रिडक्शन रेशियो, चिप रिडक्शन रेशियो। आपको क्वेश्चन में कभी चिप रिडक्शन रेशियो पूछ दिया था तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा चिप रिडक्शन रेशियो। ठीक है, चिप थिकनेस रेशियो अगर पूछा जाए तो सिर्फ स्मॉल आर, अगर चिप रिडक्शन रिडक्शन वर्ड जोड़ दिया जाए, रिडक्शन वर्ड पूछ दिया जाए तो क्या करोगे आप, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आ जाएगा चिप रिडक्शन रेशियो। तो दोनों में एग्जाम में पूछा गया है, ये हमेशा कम से कम 90% तो यही पूछते हैं। ठीक है, 5-10% आपका क्या होते हैं, थोड़ा वो गलतियाँ करने की वजह से क्या करते हैं ये लोग इसमें डाल देते हैं चिप रिडक्शन रेशियो। ओके, अब वेलोसिटी रिलेशन देख लेते हैं, क्या है वेलोसिटी रिलेशन देखते हैं। अब जैसे मान लो ये वर्कपीस था, क्या था ये वर्कपीस था, और ये क्या था आपका टूल था, ये क्या था वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ओके, अब देखो टूल आपका कैसे मूव हो रहा है ऐसे। ओके, टूल आपका क्या होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि कटिंग वेलोसिटी क्या होगी, कटिंग वेलोसिटी कैपिटल वी। ठीक है, चिप फ्लो कर रहा है किससे जी, चिप फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा चिप वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी चिप वेलोसिटी। ओके, और ये कौन सा प्लेन था, शियर प्लेन, शियर प्लेन। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी क्या होगी शियर वेलोसिटी। ओके, देयर आर थ्री वेलोसिटी, बीसी इज द चिप वेलोसिटी, बीसी इज द चिप वेलोसिटी। What is chip velocity? The velocity going along to the chip. Velocity is generated along to the chip. It's called chip velocity. Okay? Tool आपका forward motion कर रहा है तो क्या हो गया आपका cutting velocity. किसी भी tool को आप cutting के लिए ला रहे हो तो cutting velocity. And along the shear is the shear velocity. ठीक है, along the shear plane the velocity is called शियर वेलोसिटी। तो वी एस इस क्या हो जाएगा आपका शियर वेलोसिटी, वी सी क्या हो जाएगा आपका चिप वेलोसिटी, और वी क्या हो जाएगा कटिंग वेलोसिटी। ओके, और ये एंगल क्या है आपका अल्फा, अल्फा क्या है रेक एंगल। अब देखो यहां पर ठीक है, ये वेलोसिटी क्या थी वी सी, और ये वेलोसिटी क्या थी वी, और ये वेलोसिटी क्या थी वी एस। ये जो था शियर प्लेन के लॉन्ग शियर वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी क्या था कटिंग के राउंड, चिप फ्लो के राउंड शियर क्या हो गया, और ये एंगल क्या था अल्फा, और ये एंगल क्या होगा फाई। ओके, अगर इस वेलोसिटी को वेक्टर डायग्राम में आपने पढ़ा होगा, इस वेलोसिटी को अगर मैं यहाँ मूव करूँ, ओके,
इस वेलोसिटी को मैं यहाँ मूव करता हूँ तो आप क्या देखोगे, तो वी सी हो जाएगा, वी हो जाएगा वी। अब देखो ये एंगल क्या था, अरे यही तो मैंने क्या किया, इसको यहीं पर रख दिया उठा के, ठीक है, इसको मूव करा के इस पोर्शन पर रख दिया, तो क्या था वी सी, ये क्या था वी सी था, ठीक है, किससे एंगल पे था वो, वाई डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे था रेक्ट, ठीक है। अब देखो ये फाई एंगल हो गया, ये अल्फा हो गया, ये एंगल क्या 90 बना रहा है जी, परपेंडिकुलर बेस से क्या 90 बना, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, अरे बचा हुआ कितना एंगल हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। भाई ट्रेंगल का एंगल जो होता है कितना होता है 180, तीनों एंगल को क्या होता है अगर आप एडिशन करोगे तो कितने एंगल होते हैं 180, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस ये प्लस ये अगर घटा दें तो आ जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस ये एंगल घटाओ जी 90 माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस फाइव माइनस साइन करोगे क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस अल्फा माइनस फाइव, 180 माइनस 90 यहाँ माइनस साइन लगा देते निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 माइनस, वही बात है ना क्यों जी, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा 90, यही तो एंगल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमारा एक वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया, वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया जिसमें 90 माइनस अल्फा ये क्या था आपका फाई, ये क्या था आपका 90 माइनस फाई माइनस अल्फा, ये आपका आ गया वी, ठीक है, और ये होगा आपका वी एस, ये हो गया वी सी, यही तो था वी सी वी एस वी। अब इसमें लगाते हैं साइन रूल, लगाते हैं क्या लगाते हैं साइन रूल, साइन रूल अप्लाई करेंगे इसमें, साइन रूल देखो क्या होता है, साइन रूल क्या होता है कि जो भी हम लेते हैं वेलोसिटी या कोई भी साइड लेंगे उसके सामने का एंगल से डिवाइड करते हैं साइन के, ठीक है, जैसे वी सी लिया मैंने तो क्या किया, वी सी लिया तो साइन फाई उसके एंगल से डिवाइड किए, ठीक है, ये बराबर होगा नेक्स्ट वी एस डिवाइड बाई साइन 90 माइनस अल्फा, ये बराबर होगा तीसरा क्या बचा वी डिवाइड बाई साइन 90 माइनस फाइव माइनस अल्फा, यही तो हुआ, ओके, ये होगी साइन रूल। अब इसको इसको कंपेयर करो, इसको इसको बराबर करो फर्स्ट और थर्ड को, तो आप देखोगे वी सी बाई साइन फाई इक्वल टू वी बाई साइन 90 माइनस फाइव माइनस अल्फा, ठीक है, साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, हैं मान लो कोई एंगल हो साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता जी, साइन 90 माइनस अल्फा किसी एंगल में 90 हो गया तो क्या हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट हो जाता ना जी, कॉस अल्फा हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये कॉस 5 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, तो आगे आप देखोगे इसको तो वी सी इक्वल टू साइन फाई बराबर वी कॉस 5 माइनस अल्फा, कॉस 5 माइनस अल्फा, ओके। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो वी सी बाई वी इक्वल टू
साइन फाई डिवाइड बाई कॉस फाई माइनस अल्फा। ओके यही था जी, वी सी बाई वी इक्वल टू कॉस फाई माइनस अल्फा। तो हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में चीफ रिडक्शन रेशियो का फॉर्मूला देखा था, आर इक्वल टू टी बाई टी सी एल सी बाई, ये वी सी बाई वी देख रहे हो आप, वी सी बाई इक्वल टू साइन फाई का बाई कॉस फाई माइनस अल्फा। तो ये फार्मूला देख रहे हो आप, वी सी बाई वी कर क्या निकाला मैंने, वेलोसिटी का भी किया साइन फाई कॉस फाई माइनस अल्फा। ओके तो यही तो आ क्या था आपका, यही क्या था आपका, अरे आप देखो ना यहाँ पर आर इक्वल टू वी सी बाई वी बराबर साइन फाई माइनस अल्फा, तो आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए बोला कि वो फॉर्मूला याद रखे डायरेक्ट, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ आया, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिसके इसमें आपको कटिंग वेलोसिटी दे दिया, चिप वेलोसिटी पूछा, फाइव सियर एंगल दे रखा है, अल्फा दे रखा है, तो आप सीधे क्या निकालोगे, किसी वेलोसिटी निकालोगे। तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ऐसा नहीं है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 101% क्वेश्चन आते हैं। ओके तो यहीं एंड करते हैं। ओके ठीक है, अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।